नमस्कार दोस्तों, फोन रेयर के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित और आज हम बात करेंगे रिलायंस जियो के ISD कॉल चार्जेस के बारे में। अगर आप रिलायंस जियो यूज कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि रिलायंस में कोई चार्जेस नहीं लगते हैं किसी को भी ऑल इंडिया कॉल करने के, मतलब पैन इंडिया आपको फ्री कॉलिंग मिलता है और आपको सिर्फ चार्जेस लगेंगे इंटरनेट डेटा के लिए। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल कॉल करेंगे तो आपको चार्जेस लगते हैं। और ये रही एक पूरी की पूरी लिस्ट जहां पर आप देख सकते हैं कि इसके चार्जेस अगर आप किसी और टेलीकॉम नेटवर्क से कंपेयर करेंगे तो काफी कम है। मैं जनरली इंटरनेशनल कॉल्स के लिए स्काइप प्रीमियम या फिर VoIP सर्विसेज यूज करता हूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि वहां से मैं डायरेक्ट रिलायंस पर ही शिफ्ट कर सकता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि चाइना कॉल करने के लिए या फिर जापान, USA जो रेगुलर कंट्रीज है जहां पर काफी लोग कॉल करते हैं, वहां के कॉल चार्जेस करीब ₹5 पर मिनट आता है। लेकिन अगर आपको इसको और भी कम करना है तो एक और ऑप्शन है जो है ISD का रेट कटर ऑप्शन। रेट कटर ऑप्शन ये होता है जहां पर आपको 28 दिन या फिर एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए आपको एक प्लान को रिचार्ज करना है। जैसे रिलायंस का है ₹501 का रिचार्ज, जैसे आप वो एनेबल कर देंगे तो 28 दिन तक आप इन्हीं कंट्रीज को कॉल कर सकते हैं, लेकिन एक और डिस्काउंटेड स्कीम पर। तो जो ₹5 पर मिनट का कॉल था USA के लिए वो हो जाएगा ₹3, तकरीबन 40% और डिस्काउंट। और ₹3 प्रति मिनट तो काफी सस्ता हो गया इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए। चलिए अगर आप डेली 15-20 मिनट भी कॉल करते हैं किसी अपने फ्रेंड फैमिली को भी, तो करीब ₹40-50 का कॉल चार्जेस आएंगे, जो कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उनके पास व्हाट्सएप है या फिर स्काइप है तो वैसे भी कॉल चार्जेस कोई नहीं लगने वाले हैं, आप फ्री पर ही कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल का भी फायदा ले सकते हैं। लेकिन आपको बिजनेस कॉल्स भी करना है तो ISD कटर ऑप्शन मैं रिकमेंड करूंगा जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, और इसके थ्रू आप अपने कॉस्ट का चार्जेस या फिर अपना मंथली चार्जेस कम कर सकते हैं। मैं अभी निकल रहा हूँ सैमसंग के Galaxy S8 लॉन्च के लिए, और मैं आपको अपडेट करते रहूंगा मेरे ट्विटर हैंडल के ऊपर जो है @amitbhavani या फिर @phonerblog, जो जहां पर आपको बताया जाएगा सैमसंग का नया Galaxy S8 और S8 Plus के प्राइसिंग और सैमसंग के Gear VR के बारे में जो भी भारत में लॉन्च होने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड रहिए और कनेक्टेड रहिए, और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए और मुझे बताइए मैं और किस टॉपिक्स पे आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूं और मैं आपको शेयर करते रहूंगा। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप बताइए आप क्या चाहते हैं, कौन से वीडियो को मैं कवर करूं, और मैं उन वीडियोस को कवर करते रहूंगा। तब तक के लिए अलविदा, और मैं मिलता हूं आपको हमारे अगले वीडियो में। बाय।